आई आई एम अहमदाबाद की पहली क्लास इस क्लास से पहले हमें एक केस दिया गया था और हमें कहा था इसे पढ़ के आना मुझे ये नहीं पता था कि वो एक केस और उससे मिलने वाली लर्निंग्स मेरी पूरी लाइफ बदल देंगी हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आप में से कोई अहमदाबाद पहुंचे या ना पहुंचे आज मैं आई एम अहमदाबाद पहुंचाने वाली हूँ एंड आई एम टेल यू की क्लास में ऐसा क्या होता है की आई की इतनी वैल्यू है वॉट एक्सैक्टली exactly so, हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं एंड मैंने क्लास सिर्फ टू स्टेट मूवी में देखा हुआ था लेकिन जब मैं उस क्लास एंटर की एंड आई सॉ अराउंड आई नोटिस की वो फीलिंग जहां नब्बे लोग एक ही क्लास में बैठते हैं एंड एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डायवर्स एक्सपीरियंस इज सो वैल्यूएल आई कांट पुट इट इन वर्ड वो कितनी एनरिचिंग डिस्कशन होती है जब नब्बे अलग अलग तरह के दिमाग एक साथ मिलकर बात करते हैं इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको उन प्रोफेसर के बारे में बताती हूँ जिन्होंने हमारी पहली क्लास ली दिस प्रोफेसर इज रिनाउंड टाइम एम द बार टू ऑब्सर्व दिंग्स जो लोग नॉर्मली नहीं कर पाते सो मैन ही एंटर द क्लास रूम उन्होंने अपने टीचिंग असिस्टेंट को बोला कि एक बार काउंट करके बताओ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सो द टीचिंग असिस्टेंट से

90 नहीं 91 स्टूडेंट्स हैं इसके बाद उन्होंने हमें एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो आज मैं हर सिंगल एमबीए स्पेंट को पूछने वाली हूँ विच इज वाई आर यू हेयर वाई आर यू हेयर एट आई आई एम अहमदाबाद वॉट आर यू डूइंग एम बी ए फॉर आप सोचो कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या जवाब देते तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो भी लोग एम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट है जो अन अकेडमी ऑर्गेनाइज करी है test, 16th October, 12 2 इसमें करना cost, लेकिन आपको एक कोड की रिक्वायरमेंट होगी यू कैन यूज एस ए कैट टेन विच इज माई कोड यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कॉमेंट अब ये देना क्यों जरूरी है बिकॉज जब इतने सारे कैट एस्पिरेंट कोई मॉक लिखते हैं यू गेट के साथ दिया जाएगा, I would उनके डिफरेंट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे मैं तो नहीं हूँ बट आई बी पार्ट ऑफ दैट बुट कैंप एंड आई बी टेकिंगशन लाइव टू टेल यू कैट

And his answer was no. तीसरे बच्चे से पूछा तो उसने बोला की ये जो एक्सपीरियंस है मैं यहाँ इस एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ क्योंकि ये मुझे कोई पचास करोड़ रुपए भी देगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा एंड देन प्रोफेसर ने पूछा और अगर सौ करोड़ दिए तो ही इज लाइक आज आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी नंबर है चाहे वो दो करोड़ है पांच करोड़ है पचास करोड़ है या पांच हजार करोड़ है आप यहाँ से बहुत ही कम लेके जाओगे ही सेड कि अगर आप यहाँ आए हो तो यू नीड टू हैव ओनली एंड ओनली वन टारगेट इन माइंड विच इज कैश बट वो ये वाला कैश नहीं है वो है के ए एस एच कैश नॉलेज केिटी स्किल्स एंड हैबिट्स आई आई अहमदाबाद में पढ़ने वाला हर बच्चा यहाँ से जो चीज सबसे ज्यादा लेके जाता है दैट इज कैश नॉलेज

एंड एक्चुअली हो गई तो so, मैंने बोला की मुझे लोगोस एनालाइज करने अच्छे लगते हैं तो प्रोफेसर ने इतनी बड़ी स्क्रीन पे आई एम अहमदाबाद का लोगो लगा दिया एंड ही करो एनालाइज और बताओ कि आई एम अहमदाबाद के लोगों की क्या सिग्निफिकेंस है एंड मैंने पहले ही दिन क्लास में अपनी बेजती करवा दी बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि आई एम अहमदाबाद का लोगों का क्या मीनिंग है या वो कहाँ से डिराइव होता है सो so, हाँ थोड़ी बुरी सी फीलिंग तो आ रही थी बिकॉज एंड लाइक टू स्टेट्स जहाँ कृषि भाग के नन्या के पास चला जाता है उसको सपोर्ट करने मेरे पास तो कोई नहीं खड़ा था मैं तो खुद ही कोई कंसोल कर रही थी कि यार यार गलती हो गई बट वॉट आई रियलाइज डिस कि उस एक मोमेंट से पहले ना सब लोग बहुत डरे हुए थे क्लास में इट जस्ट फेल्ड लाइक हर पर्सन यही सोच रहा था कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं एंड उस एक मोमेंट के बाद एवरीबडी फील्ड सो कम्फर्टेबल लाइक बहुत सारे लोग क्लास में बोलने लगे एंड स्लोली एंड स्टेली ओवर द डेज हमने नोटिस किया पीपल स्टार्ट एड ओपनिंग सो आई थिंक गलतियां करना इज एक्सेप्टेबल एट आई एम अहमदाबाद विच द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द क्लास रूम से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओगे अगर आप डरते रहोगे तो हाउ विल यू कॉन्ट्रीब्यूट खैर मेरी बातें करने के बजाय हम वापिस उस केस पे आते हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था तो आई एम अहमदाबाद में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो चाहे मार्केटिंग एच आर फाइनेंस कंसल्टिंग आप हमेशा उसे केस के फॉर्मेट में पढ़े

ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द सामने वाला पर्सन यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर मिस्टर तभी आप उस केस का डिसीजन से ले पाओगे पावरफुल है आप में से बहुत सारे लोग जो कैट की तैयारी करते हैं मुझे इस चैनल पर पूछते हैं ना कि मैं कैसे समझ आती हूँ कि आपको इस समय कौन सी रिक्वायरमेंट है दैट इज बिकॉज आई एम नॉट श्वेता एंड द पर्सन वॉचिंग दिस नो कि आपको इस समय क्या चाहिए होता है दिस वन लेसन चेंज माई लाइफ